नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मंडी शो में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं गेहूं का बाजार। चलिए आइए जानते हैं कि इस बाजार में नरमी बनी रहेगी या गर्मी। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ प्रमुख मंडियों की, तो पहले हम चलते हैं गुलाब बाग मंडी की तरफ। तो यहाँ 50 रुपए बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ दाम 2250 से बढ़कर 2300 तक पहुंच चुके हैं। फिर हम चलते हैं लॉरेंस रोड मंडी की तरफ, तो यहाँ दाम सामान्य ही रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इंदौर मंडी की, तो यहाँ दाम बढ़कर 2450 तक पहुंच चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कोटा मंडी की, तो यहाँ भी दाम 2400 से 2500 के बीच में देखने को मिल रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं कि गेहूं का भविष्य कैसा रहने वाला है और इस स्थिति का कारण क्या है। तो जैसा कि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की फसल खराब हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि इस वर्ष की जो चीन की फसल है वो इतिहास में सबसे खराब हुई है। और गेहूं का कटोरा कहे जाने वाले देश यूक्रेन और दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस दोनों ही युद्ध की स्थिति से जूझ रहे हैं। और इस स्थिति में भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जो गेहूं का निर्यात कर सकता है, इसलिए सभी देशों की नजरें भारत पर बनी हुई है। यही कारण है कि अभी गेहूं के दामों में तेजी देखने को मिलेगी और आगे बाजार तेज ही रहेगा। ऐसी और समाचार को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और डाउनलोड कीजिए फसल सलाह ऐप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तब तक के लिए धन्यवाद।